लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, जब भी आता है उस प्रदेश या उस स्टेट में आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ तो नाराजगी की वजह से जाते हैं, तो कुछ तो समीकरण देखकर भाग निकलते हैं, तो कुछ टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर इधर से उधर चले जाते हैं। लेकिन आज हम आपको जिनके बारे में बता रहे हैं, वो कोई नेता नहीं है, ये दुनिया के मशहूर हेयर ड्रेसर हैं, जिन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान जैसी मशहूर हस्तियों के बाल काटे हैं। नाम है जावेद हबीब। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले जावेद हबीब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जावेद हबीब सनसिल्क शैंपू के ब्रांड एम्बेसडर हैं और जावेद के कई सलून देश भर में चल रहे हैं। जावेद हबीब ने लंदन के मॉरिस स्कूल ऑफ हेयर ड्रेसिंग और लंदन स्कूल ऑफ फैशन से आर्ट एंड साइंस ऑफ हेयर स्टाइलिंग एंड ग्रूमिंग में डिप्लोमा किया है। जावेद ने कई बॉलीवुड स्टार्स को नया लुक दिया है, लेकिन वो कभी किसी स्टार के पर्सनल स्टाइलिस्ट नहीं बने। हबीब हेयर एंड ब्यूटी लिमिटेड के सीईओ हैं। 54 साल के हबीब के देश भर में 500 सलून आउटलेट 92 शहरों में और 41 सलून अकेडमीज हैं। हबीब के दादा नजीर अहमद इंडियन और ब्रिटिश नेताओं के बाल काटा करते थे। हबीब के पिता भी नेताओं के हेयर स्टाइलिस्ट रहे हैं। हबीब ने फ्रेंच भाषा में जेएनयू से डिग्री का कोर्स किया है। जावेद हबीब ने एक बार बात करते हुए कहा था कि वो कभी हेयर स्टाइलिस्ट नहीं बनना चाहते थे। क्रिकेट में इंटरेस्ट था और कॉलेज में वो हर खेल में पार्टिसिपेट करते थे। यहाँ पर एक बात आपको बताते चले कि हबीब के पिता ने उनसे एक बार कहा था कि वो हेयर स्टाइलिस्ट बने, जबकि वो अपने करियर को लेकर काफी कंफ्यूज थे। इसके बाद वो हेयर कट का हुनर सीखने लंदन चले गए। यहीं पर जावेद ने हेयर कट का कोर्स किया और फिर भारत लौटे। भारत आने के बाद हबीब ने अपने पिता के सैलून में काम करना शुरू किया, लेकिन जब वो काम करते थे तो लोग हबीब के पिता या उनके छोटे भाइयों से बाल कटवाने की मांग करते थे, इसलिए हबीब को बाल काटने का मौका कम ही मिल पाता था। इसके बाद हबीब ने अपने पिता के सैलून में काम करना बंद कर दिया। वो हेयर कटिंग और ग्रूमिंग क्लास देने लगे। हबीब ने अपना पहला आउटलेट केरल में खोला।